हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केस बावर्ची। आज हम बनाएंगे कुल्फ़े की भाजी से कुल्फ़े की कतली। इसके लिए मैंने कुल्फ़े की भाजी ले लिए हैं, 3 कट्टे ले लिए हैं मैंने। ऑलमोस्ट वेट में 250 ग्राम्स है। तो चने की दाल 100 ग्राम भिगा के रख दीजिए और इमली को भी 1 नींबू की साइज़ की इमली भिगा कर रखें। फिर हम इस कुल्फ़े की भाजी के जो पत्ते हैं उसे तोड़ लेंगे और उसे अच्छी तरीके से धो लेंगे और उसे हम कुकर में डाल देंगे। कुकर में पकाने से ये जो भाजी है बहुत जल्दी बन जाती है। और उसमें हम 7 से 8 हरी मिर्चें धो के डाल देंगे, भीगी हुई चने की दाल डालेंगे, हल्दी डालेंगे 1/2 टीस्पून, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, टेस्ट के हिसाब से नमक डालकर 1 गिलास पानी डालेंगे और उसमें हम तेल डालेंगे 1 टेबल स्पून। 2 से 3 सीटी आने तक अब हम इस दाल को उबालेंगे। और भाजी को देखिए, दाल अच्छी तरीके से गल चुकी है। इसे हम दाल घुटनी से, जो मैशर है उससे हम उसे घोट लेंगे और उसमें हम डालेंगे इमली का खट्टा और दोबारा इसे पकाएंगे 5 से 10 मिनट तक। और जब ये दाल और भाजी पक रहे हैं तब हम इसमें कलिया पक के कड़ियाँ डाल देंगे। 2 स्प्रिग्स डाल दिए कलिया पक के। जब दाल अच्छी तरीके से उन जाए तब हम इसका बघार लगाएंगे। तो बघारने के लिए 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल में ज़ीरा डालें 2 टीस्पून, और सूखी लाल मिर्ची डाल दें 2 से 3 टुकड़े करके डालें। और जब ये बघार इस तरीके से ब्राउन कलर में हो जाए तब हम इसे दाल में बघार देंगे। देखिए, ज़बरदस्त कुल्फे की भाजी की कतली बन के रेडी हो गई है, समर स्पेशल। और ये समर सीज़न में अपने बॉडी को बहुत ठंडा रखती है। ज़रूर इस रेसिपी को आप ट्राई करें। थैंक यू सो मच।